फोर्स के अंदर न्यूटन के तीन लॉज बहुत फेमस हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इसे भी। तो फोर न्यूटन के तीन लॉज हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगी, और मोशन में बॉडी रुकेगी नहीं, रेस्ट पे बॉडी चलेगी नहीं जब तक उसको क्या ना लगा दी जाए, फोर्स। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, राइट। तो और कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ स्टडी करवाया जाता है तो एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। कोई बॉडी रेस्ट पे है सदा ही रेस्ट पे रहेगी, जब तक फोर्स ना लगाई जाए मूव नहीं करेगी। कोई बॉडी मोशन में है मोशन में रहेगी, जब तक फोर्स ना लगाई जाए रुकेगी नहीं। तो ये इनर्शिया है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज मेजर ऑफ इनर्शिया? बोलो क्या, इनर्शिया कैसे मेजर करते हैं? क्या चीज ज्यादा हो कि बॉडी का इनर्शिया ज्यादा हो जाए? मास। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर बॉडी का मास ज्यादा है देखो उसको हिलाना भी मुश्किल है, बॉडी का मास ज्यादा है उसको रोकना भी मुश्किल है, राइट। तो इनर्शिया तीन किस्म का है फर्दर, रेस्ट मोशन और डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे मूव नहीं करेगी। मोशन ये बोलता है कोई बॉडी मोशन में रहेगी, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे वो रुकेगी नहीं। और डायरेक्शन ये बोलती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन स्टेट्स दैट कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं करती। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या लगानी पड़ती है उसके ऊपर? फोर्स। फोर्स लगेगी तो डायरेक्शन चेंज होगी, बिना फोर्स के बॉडी सीधी ही जाएगी। आप स्पेस में कहीं पर भी बॉडी को छोड़ दो सीधा, वो सीधा ही जाती रहेगी, मुड़ेगी नहीं। हाँ ग्रेविटेशनल पुल में आ जाए वो अलग बात है कि मुड़ जाएगी। आप अगर मान लो पत्थर को घुमाना चाहते हो सर्कल में तो आपको ना रस्सी बांधनी पड़ेगी, रस्सी से घुमाना पड़ेगा। तो अदरवाइज जैसी रस्सी टूटी पत्थर टेंजेंशियली जहां टूटी कभी सर्कल में घूमेगा नहीं, बिल्कुल सीधा जाके गिरेगा। तो यानी कि कॉन्टिन्यूसली आप क्या लगा रहे हो रस्सी के थ्रू? फोर्स। वो फोर्स उस पत्थर को क्या घुमा रही है ना? सर्कल, राइट। आप ये सोच रहे होंगे कि वो फिर डेफिनेशन लिखवाओ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लॉ की। डेफिनेशन मैं कहूंगा ओके राइट कॉपी ओपन करो, इनर्शिया ऑफ फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड। ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको, ना तो स्कूल में आएगा ना कॉम्पिटिशन में आएगा। कॉन्सेप्ट आएगा, टोटल मैथमेटिकल और लॉजिकल कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, राइट। अब आपने देख ही लिया पेपर डेफिनेशन टाइप आते नहीं है, राइट, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। तो अभी इसलिए जस्ट इंट्रोडक्शन दी मैंने। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है? बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एंगुलर का मतलब बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल। तो लीनियर मोशन, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर क्या आएगा? P इज इक्वल टू एम इन टू वी। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? तो P इज इक्वल टू एम इन टू वी और लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन टू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी का मास m है और वेलोसिटी u है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई, फोर्स लगाने से बॉडी की बढ़ेगी, कितनी हो गई? v हो गई। तो मोमेंटम भी बढ़ेगा क्योंकि मास तो चेंज होगा नहीं, mu इनिशियल mv फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम या इंक्रीज इन मोमेंटम कितना है? p2 माइनस p1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या लगाई? फोर्स। फोर्स ना लगाते मोमेंटम चेंज ना होता। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? dp बाय dt। ये न्यूटन का सेकंड लॉ स्टेट्स दैट कि फोर्स जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। तो अगर आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है, चेंज मोमेंटम ज्यादा है तो यानी कि आपने फोर्स भी ज्यादा अप्लाई की, और अगर कम टाइम में मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है, देखो अगर टाइम कम होगा तो भी फोर्स ज्यादा होगी, कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो गया यानी कि आपने ज्यादा फोर्स लगाई। तो ये लॉ ये कहता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी, और प्रोपोर्शनैलिटी की साइन यहां पर कॉन्स्टेंट आएगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो ये फॉर्मूला है न्यूटन का सेकेंड लॉ, फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लो अपनी। एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, F is equal to dp by dt। ठीक है, तो F is equal to dp by dt क्लियर है। तो फोर्स इज बेसिकली व्हाट? रेट ऑफ चेंज
चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, पी इज एम वी, एम कॉन्स्टेंट बाहर आ गया तो क्या बचा, डी वी बाई डी टी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, सबने सुना हुआ है। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब अगर कोई ये कहे कि एवरेज फोर्स निकाल लो, एक बॉडी का मोमेंटम मान लो पी वन से पी टू हो गया, एवरेज फोर्स निकाल लो, ये वही सेम कॉन्सेप्ट है कि फोर्स हर इंस्टेंट पर चेंज हो सकती है। तो अगर एवरेज फोर्स निकालनी है तो डेल्टा पी बाय, या करेक्शन करो, डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अच्छा शीट मिली नहीं अभी आपको, कोई बात नहीं। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी यानी कि टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम इज एवरेज फोर्स। लेकिन अगर आप इंस्टेंटेनियस फोर्स निकाल लें, क्योंकि फोर्स कम ज्यादा भी तो लग सकती है अप्लाई करते हुए, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डी पी बाय डी टी। तो कैलकुलस यूज करके इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगी, और डेल्टा यूज करके एवरेज फोर्स आएगी। नेक्स्ट है, फोर्स क्या होता है, मास इन टू एक्सेलरेशन। अप्लाई कैसे करना है आपको, अप्लाई क्या, अप्लाई तो आता है करना, नहीं आता नहीं है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक दो और एक दस, तो ये बॉडी कहां मूव करेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, क्योंकि दस बड़ा है और दो छोटे, तो नेट फोर्स कितनी एक्ट करेगी बॉडी पे, दस में से दो गया आठ, तो एक्सेलरेशन क्या होगी बॉडी की, नेट फोर्स इज आठ, दस माइनस दो इज मास इनटू एक्सेलरेशन आंसर। तो रूल नंबर वन, F is equal to m into a में जो फोर्स है वो नेट फोर्स है, बड़ी में से छोटी फोर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। हम क्या बोलते हैं कि बॉडी के ऊपर हमने एक्शन लगाया, बदले में रिएक्शन मिला। ये एक्शन रिएक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं वो बताएगा, वही यूनिट्स। ये क्या बात है, ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है, न्यूटन ने, न्यूटन को तो पहले ही पता थी। वो क्या, जो कर्म करोगे फल भी वैसा ही मिलेगा, एक्शन रिएक्शन बस वही तो है। तो आप जितना वेट या फोर्स लगाओगे अर्थ के ऊपर, अर्थ भी आपके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। आप पानी को पीछे धक्का मारोगे तेज तेज, पानी आपको आगे पुश करेगा, आप स्विम करोगे। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन क्या चीज है, फोर्स। रिएक्शन क्या चीज है, फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन का मतलब है फोर्स। आप जितनी फोर्स पानी को लगाएंगे उतनी फोर्स पानी भी आपको लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन ये सब्जेक्टिव वर्ड्स नहीं है, ये फोर्सेस हैं। तो इसके अंदर जैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक का वेट है एम जी, वेट है एम जी। मास और वेट में फर्क होता है, मास के जी में होता है और वेट एम इन टू जी न्यूटन में होता है, वेट भार न्यूटन में होता है। तो ये के जी है और ये एम जी न्यूटन है। तो इस बॉडी ने, इस बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ है, तो नीचे फोर्स लगी mg। तो mg फोर्स कहां लगी, ग्राउंड के ऊपर लगी। तो अर्थ ने, ग्राउंड ने इस बॉडी पे क्या लगाया, रिएक्शन। तो अगर इसका वेट 15g है या 150 न्यूटन है जो ग्राउंड पे लगा, तो ग्राउंड ने भी इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगानी है 150 न्यूटन। कोई डाउट इसमें, एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर कोई बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स नीचे है, 10 न्यूटन फोर्स ऊपर है, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन अगर एक बॉडी की नीचे की फोर्स 15 न्यूटन है, ऊपर 2 न्यूटन है, तो ये बॉडी नीचे मूव करेगी, सिंपल। अगर एक भी फोर्स बढ़ी है तो उसी तरफ बॉडी चल पड़ेगी। अब मैं अगर यहां खड़ा हूं, मेरा वेट 80 न्यूटन है, तो बदले में अर्थ भी मेरे ऊपर क्या लगा रही है, 80 न्यूटन, कैंसिल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नेट वर्टिकल फोर्स जीरो, ना मैं उड़ रहा हूं ना मैं नीचे जा रहा हूं, राइट। तो जो रिएक्शन है, जैसे ये एक्शन है mg, तो ग्राउंड ने इसके ऊपर लगाया रिएक्शन, फोर्स लगाई। वो फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होगी, mg। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय n या r, रिएक्शन को, रिएक्शन फोर्स को r भी लिखते हैं, रिएक्शन को n भी लिखते हैं। n का मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन।
नॉर्मल रिएक्शन इसलिए क्योंकि ये जो फोर्स लगती है, जो अर्थ लगाती है बॉडी पे, वो इस ग्राउंड या अर्थ पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है यहां तक? इसलिए पूरा नाम इसका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। राइट, क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी के या अर्थ के, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, आंसर दो। एन एक फोर्स है, एम जी एक फोर्स है, क्या ये एक बॉडी पे लग रही हैं या ये अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं? क्या ये एक बॉडी पे लग रही हैं या अलग अलग बॉडी पे लग रही हैं? अलग अलग, तो फिर कौन सी अलग अलग? एम जी किस पे लग रही है? अर्थ पे। और एन किस पे लग रहा है? हाँ, अलग अलग पे लग रही हैं, ये एक पे नहीं लग रही। मैंने पानी को फोर्स लगाई, फोर्स किस पे लगी? पानी पे। तो पानी ने मुझ पे फोर्स लगाई, अब ये फोर्स किस पे लगी? मुझ पे। पानी को फोर्स में लगी, अगर मतलब एमजी में खुद लगा लूं, अपने ऊपर ही वेट लगा लूं, अपने आप को रिएक्शन दे दूं, ये कैसे हो सकता है? तो दो बॉडी तो चाहिए ना। तो एमजी फोर्स किस ने लगाई? मैंने लगाई। किस पे लगाई? अर्थ पे लगाई। तो बदले ने, अर्थ ने मेरे ऊपर रिएक्शन लगाया। एन फोर्स मेरी और एम जी फोर्स अर्थ पे लग गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? तो ये याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स।